हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सफाई हो रही है मेरे पेड़ की। अच्छा, ठीक है। का कहीं करिएगा, क्योंकि ये नीचे ना पूरा सोप। दीदी बॉल खेल रही है, इरू भी बॉल खेल रही है। बड़ो बड़ो बॉल की तरफ बढ़ो इरा। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने बेडशीट की ठीक करने के लिए, बेडशीट को। और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और यहाँ अचानक से मेरा फ़ोन जो है वो गिर गया था, तो मैंने फिर आ करके फ़ोन को उठा करके फिर से रखा। और ईरा जो है वो बाहर खेल रही है पीहू के साथ, और वर्मा जी मेरे आज प्लांट्स को वॉश कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत गर्दा आती है, धूल आती है, तो कई दिन से हम सोच रहे हैं उसको साफ़ करेंगे, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है कि काम बराबर चलता ही रहता है। तो आज फाइनली हम लोग ने डस्टिंग जो है वो स्टार्ट करिए थोड़ा बहुत। और अभी ईरा खेल रही है तो मैंने यहाँ पे बेडिंग जो है वो ठीक कर दी है, पूरा अच्छे से क्लीन करके झाड़ दिया है बेड को। निकल गया, ये खराब ही हो गई है लाइट, अब जलेगी तो है नहीं। अच्छा, इसको भी वॉश करेंगे क्या? ओके, आज आप सफाई कर रहे हैं क्या? इरू ना के आया, इरू ना के आया चोना। चलो अभी हम लोग जल्दी से ड्रेसअप होते हैं। अभी डायरेक्ट मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। वर्मा जी ने बोला आज चलते हैं बाहर थोड़ा सा डिनर वगैरह करने के लिए, सो बस यहाँ पे हम लोग तैयार हो रहे हैं। और कहाँ चलेंगे वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। फ़ोन में देख रही थी किस एंगल में रखूँ, कैसे रखूँ, और पीहू जो है वो तैयार होकर के बैठ गई है। ईरा को भी मुझे रेडी करना है। बस चलो निकलते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपको कैमरे के आगे आकर और बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो बेटा, गिरोगी? आ जाओ इरा, कहाँ जा रही है इरा, कहाँ जा रही है इरा? घोड़ा बन रही है। घोड़ा बन रही है। आह इरु, आह मैं घोड़ा बन जाती हूँ ऐसा लगता मुझे। क्या जी, इरा गोदी में उठाओ। इरा तैयार हो गई है। मैं भी हो गई हूँ। भी हो गई है। चलो चलेगी। हाँ ओके गाइस, वेलकम बैक। तो अभी शाम हो चुकी है और सुबह के बाद कुछ भी रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं किए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो चलो चलते हैं। आज थोड़ा बाहर चलते हैं। ईरा तैयार है, पीहू तैयार है, सब लोग। हाँ देखो ईरू को, ईरू ने आज हेयर बैंड दूसरा लगाया है। कैसी लग रही है ईरा? एक्साइटमेंट देखो इसका, एक्साइटमेंट। ईरा जब बाहर जा रही होती है तो बहुत खुशी से पता चल जाता है कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। तो गाइस अभी एक आम वाले भैया आए थे और उन्होंने हमको मैंगो वो बोल रहे थे ले लो, तो हम लोगों ने फिर एक डब्बा मैंगो ले लिया है। वो 600 का बोल रहे थे, फिर वो बोले 500 में ले लो, तो फिर हम लोगों ने ले ही लिया। वो बार बार पीछे पड़े थे, ले लो। मान लिया था आपने? अच्छा, उनके बोल वो बोल रहे थे एक ही डब्बा बचा है हमारा, ये डब्बा भी खत्म हो जाने दो, ले लो, तो फिर हम लोगों ने ले लिया। तो हम लोग आ गए हैं कैलाश पर्वत में। चलिए पीहू, चलो पीहू। ये मेरी है।
तो बस हम लोग आ गए हैं डिनर के लिए। मेन्यू देख रहे हैं कि क्या क्या मंगाना है। फर्स्ट टाइम आज कैलाश पर्वत हम लोग आए हैं डिनर के लिए, और खाना मैं आपको बताती हूँ कि कैसा था। सबसे पहले हमने यहाँ पे मंगाया था मसाला पापड़। ये क्या था इसका नाम? हाँ हाँ, क्या सोया चाप मसाला और चपाती। कैसा लगा खाना? बहुत ही बढ़िया खाना था। कैलाश पर्वत का चाप खाया हम लोगों ने, और एक वो क्रिस्पी चिली मशरूम पनीर वाला एक स्टार्टर था, और चपातियाँ भी अच्छी थी। अभी हमने क्या मंगाया है, कुल्फी फालूदा मंगाया है, तो वो भी दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा है, 325 रुपीज़ का है, बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे दोनों बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे थे अपने कुल्फी फालूदा का, तो मैं थोड़ा सा वीडियो भी बना रही थी कि ये बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कुल्फी फालूदा जो है आ चुका है। ये है कुल्फी फालूदा कैलाश पर्वत की। चलो एंजॉय करते हैं। चलो सब्जी लेने के लिए वर्मा जी अभी गए हैं, और तो सब्जी जो है वो अभी घर पे ख़त्म हो गई थी। तो बस यहाँ पे वर्मा जी गए हैं सब्जी लेने, वही मैं आपको बता रही थी, बट पता नहीं कहाँ से कॉपीराइट आ रहा था तो मैंने फिर बंद कर दिया। और यहाँ पे देखिए जो ईरा है ना वो बॉटल लेना चाह रही है, ये सौफ का वो है बॉटल, तो वो कह रही थी मुझे दे दो। वही दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, बार बार ईरा गिरा देती है, फिर वही उसका खेल हो जाता है कि मैं गिराऊँगी आप उठा के मुझे दो। बच्चों को तो बस यही सब होता है। आ गए भाई, डैडी आ गए सब। तो यहाँ पे जो वर्मा जी है वो सब्जी ले आए हैं, और बहुत सारी सब्जियाँ ले आए हैं पूरी 1 वीक के लिए। ऐसे ही होता है, मतलब जब भी हम लोग वेजिटेबल लेते हैं तो 1 वीक के लिए ले लेते हैं, फ्रूट्स भी और वेजिटेबल। इसी तरह कल फ्रूट्स लेकर के आए थे, तो आज यहाँ पे वेजिटेबल्स भी आ गई हैं। चलो अब घर चलते हैं अपने। और यहाँ पे वर्मा जी बता रहे थे कि 220 रुपए में बहुत सारी सब्जियाँ ये जो आ गई हैं, अभी यही हम लोग की कहीं और से लेते हैं ऑनलाइन वगैरह तो 500-600 रुपए की आराम से जो है वो मिलती, तो इस तरह से मार्केट आकर के ले लो तो सही रेट में मिल जाती है, सस्ती होती है। अभी ऑनलाइन मंगाते तो यही सब्जियाँ कुछ 500 रुपए में मिल जाती है, 600 रुपए कम से कम। तो अभी काफ़ी लेट हो गया है, फिर इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, अब मैं आपको सीधे कल सुबह मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बस इस व्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। मैं ये एडिट कर रही थी तो मैंने देखा कि मैंने एंडिंग नहीं करी थी व्लॉग की, और ये व्लॉग 2 दिन पहले का है। सो अभी ईरा यहाँ पे बैठी है मेरे साथ खेल रही थी, और ईरा बेबी खेल रही है, तो वो अभी खेल रही है। और कल ना मैंने अपने एक सब्सक्राइबर से बात करी, वो काफ़ी दिनों से मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर रही थी। एक्चुअली कहीं से तो उनको वो नंबर जो है वो मिल गया था। क्या किचन में गिरना पर थोड़ा पानी है? अच्छा ठीक है। तो उनको पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से कैसे मिल गया, और वो बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, मेरे हस्बैंड को बार बार कॉल कर रही थी कि मेरे को दी से बात करा दो। तो फाइनली कल मैंने उनको कॉल बैक किया, उनका नाम उन्नति है, और मुझे बात करके उनसे बहुत अच्छा लगा। सीतापुर के पास वो कहीं रहती हैं, तो
कल मैंने उनसे बात की, काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपने सब्सक्राइबर से मतलब बात करी और बहुत अच्छा लगा, एकदम फ्रेंडली टाइप्स बात करना, लगना ही नहीं कि फ़र्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे को डेली देखती हैं ना, तो उन्हें सब पता है मेरे बारे में। ईरा को, पीहू को, सबको पूछा उन्होंने, तो अच्छा लग रहा था, एक बॉन्ड सा फील हो रहा था। आप लोग इतना अच्छे से देखते हैं, वॉच करते हैं हर एक चीज़, कैसे कैसे करके उन्होंने मेरा नंबर निकाला मुझे लग रहा था, जबकि मैंने वो उन्होंने बताया कि कैसे निकाला, बट वो नंबर मैंने ब्लर कर दिया था, उसके बावजूद वो उन्होंने देख लिया और फिर उन्होंने कॉल किया, बात करी, अच्छा लगा। फिर कभी अच्छे से बात करेंगे, कल ज़्यादा देर बात नहीं कर पाई, रात का टाइम था तो इसीलिए। तो चलो फिर अभी मैं इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, मिलूंगी आपको मैं कल एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।